हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं मुझे अंकगौरीस्टाइल्स पे। एंड आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाली हूं एक रिव्यू। एग्जैक्टली बहुत टाइम से मैं रिव्यू शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि मैं प्रोडक्ट्स तो मैंने परचेज़ कर लिए थे, बट स्टिल अगर मैं उनको यूज़ नहीं करूँगी एंड बिना यूज़ करे मैं अगर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर दूँगी सो दैट्स नॉट गुड एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अपना जेन्युइन रिव्यू तो नहीं शेयर किया। सो मैं ऑलवेज जेन्युइन रिव्यूज़ ही शेयर करती हूँ। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ज़बरदस्त क्रीम का रिव्यू जो कि बहुत ज़्यादा वंडरफुल है। एग्जैक्टली सो कौन सी कंपनी की है, क्या है, सारी डिटेल्स हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। सो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, इफ़ यू लाइक देन शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सब्सक्राइब करके जाइएगा, आप लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलने वाली है मेरे चैनल पर, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माई चैनल। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात कर रहे हैं गुड वाइब्स की। सो गुड वाइब्स कंपनी की एक प्रोडक्ट है बेसिकली जो जिसका नाम है मल्टीविटामिन स्किन एनहेंसमेंट फेस क्रीम। एंड ये कुछ इस तरह की दिखती है। सो ये कुछ इस तरह की दिखती है। एंड ये प्रोडक्ट वो है जो कि मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत टाइम से। मुझे अराउंड 4 मंथ्स हो गए हैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एंड ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। एंड मैंने बचा कर रखी थी थोड़ी सी कि मैं रिव्यू टाइम पे शेयर कर दूँगी। ये मेरी फेवरेट वन हो चुकी है, अभी तक की मेरी फेवरेट क्रीम हो चुकी है ये। एंड रियली वेरी हेल्पफुल है ये, आपके फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो अगर हम बात करें इसके प्राइस की, सो इसका जो प्राइस है वो है 225। सो एंड इसकी जो नेट जो क्वांटिटी है जो आपको इसके अंदर मिल जाती है दैट इज़ 50 ग्राम। एंड अगर हम इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो 2 साल है। एग्जैक्टली 2 ईयर्स। सो 2 साल अगर आप ये खरीद लेते हैं 2 साल तक आपकी ये यूज़ हो सकती है। एंड जब आपका मन करे तब आप इसको अप्लाई करें। सो गाइज़ अगर आप कोई ऐसी क्रीम ढूंढ रहे हैं ना जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, वो ये वाली क्रीम है। डेफिनेटली आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए। सीरियसली मैं इसको 4 महीने से अप्लाई कर रही हूँ एंड रिजल्ट्स आर गुड, बहुत ऑसम रिजल्ट्स हैं। मैंने इसको बहुत सारे अपनी वीडियोज़ में भी मैंने लगाया भी है, अप्लाई भी किया है, मैंने यूज़ भी किया है। सो अगर हम इस क्रीम की बात करें सो इसके अंदर बहुत इंग्रेडिएंट्स तो बहुत ही सारे हैं। मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, जैसे कि इसके अंदर ग्लिसरीन है एंड इसके अंदर ग्रेपफ्रूट एक्सट्रैक्ट है, एप्पल एक्सट्रैक्ट है, सो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है, शुगरकेन एक्सट्रैक्ट है एंड ऑलिव ऑयल है, प्यूरीफाइड वाटर है एंड परफ्यूम वाटर, रोज़ वाटर एंड बहुत सारे एक्सट्रैक्ट्स हैं इसके अंदर, बहुत सारे अमेजिंग, मतलब और भी बहुत ज़्यादा कुछ 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 इंग्रेडिएंट्स हैं। सो अमेजिंग है, मतलब इंग्रेडिएंट्स बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। एंड क्योंकि मल्टीविटामिन है सो मल्टीविटामिन इन द सेंस कि ऑल विटामिन का सॉल्यूशन आपको एक क्रीम में मिल रहा है। सो अगर हम इसकी जो है बेनिफिट्स की बात करें तो डेफिनेटली ये आपकी स्किन की जितनी भी परेशानियां उनको दूर करता है, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से रिवाइव करता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है। अगर आपको अपनी स्किन के अंदर जो है सॉफ्टन लुक चाहिए ना तो दिस इज़ द बेस्ट, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड हाउ टू यूज़ बेसिकली, सो आपको इसको कुछ नहीं करना है, अपने जितना आपका अमाउंट चाहिए अपने फेस के लिए आप निकालें, हल्का सा लें, अप्लाई करें। आप लाइक डैप 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 करके इस तरह से भी अप्लाई कर सकती हैं एंड देन उसको स्प्रेड कर लें, दैट्स इट। और कुछ नहीं करना है आपको। रात को आके सोना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मेकअप से पहले एज अ मॉइस्चराइजर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। Seriously, it's really good. And guys, it is useful for all skin types. So, अगर आपको कोई भी skin type है वो आप इसको apply कर सकते हैं, no doubt. Oily skin है, dry skin है, combination skin है, normal skin है, कोई भी स्किन टाइप है आप इसको ज़रूर अप्लाई करके देखिए। सो गाइज अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि मुझे अच्छी लगी एग्जैक्टली। एंड मैं ये नहीं कह सकती कि पैकेजिंग अच्छी नहीं है, इट्स रियली गुड एंड काफ़ी अच्छी है, बट कहते हैं ना ट्रैवल फ्रेंडली इसको हम नहीं कह सकते हैं, नहीं दस की कह भी सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा बिग मतलब बड़ा बैग ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी से, छोटी सी केयर बॉटल है तो आ जाएगी। अगर आपका बैग जो है छोटा सा है तो ये इधर उधर थोड़ा सा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम करेगी। सो ट्रैवल फ्रेंडली मतलब ऐसे ऐसे 50-50 है, इट डिपेंड्स ऑन योर बैग बेसिकली। सो अब हम इसकी पैकेजिंग की अगर बात करें, सो गाइस इसका जो लोअर टब है वो आपको कॉफ़ी ब्राउन कलर का है जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है एंड जो अपर वन है वो आपको गोल्डन कलर का है। सो इसका जो कैप है वो गोल्डन कलर का है। कैप के साथ आपको यहाँ पे एक कवर भी मिल जाता है इसका जो कि ईजिली आपकी बॉटल को अच्छे से कवर कर देता है। एंड इसके जो लोअर टब पे बेसिकली आपको सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो नज़र आते हैं, लिखे हुए हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी लेबलिंग की हुई है प्राइस की, वेट क्वांटिटी की, इंग्रेडिएंट्स की।
एंड अगर मैं इसके कुछ और बेनिफिट्स की बात करूँ, सो इसके अंदर आपको ये मतलब नो पैराबीन, नो सल्फेट, नो मिनरल ऑयल एंड साथ ही क्रुएल्टी फ्री है. सो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, यू गाइस कैन यूज़ एग्जैक्टली. सो गाइस चलिए अब हम बात करते हैं इसकी फ्रेगरेंस की एग्जैक्टली. सो इसके जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़्यादा हाई पावर वाली नहीं है, क्योंकि मुझे हाई पावर वाली जो क्रीम्स हैं, फ्रेगरेंसेज जो हैं, वो इतनी पसंद नहीं आती हैं. एंड सेंसिटिव, जिनकी नोज़ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जो बहुत ज़्यादा जिनको फ्रेगरेंस पसंद नहीं है, सो गो फॉर इट, आप इसको ट्राई कर सकते हैं. इसकी बहुत स्वीट सी, माइल्ड सी फ्रेगरेंस है, जो कि अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपके मूड को बहुत अच्छे से फ्रेश कर देती है, रिफ्रेश करती है एग्जैक्टली. सो गाइस अब हम इसके टेक्सचर की बात करते हैं एग्जैक्टली. सो अगर हम इसके क्रीम के टेक्सचर की बात करें, सो मैं आपको इसको दिखाती हूँ. ये कुछ इस तरह का इसका टेक्सचर है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ जेल लाइक स्ट्रक्चर है. यू गाइस कैन सी कि ये थिक है. अगर आप इसको इस तरह से हिलाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं गिर रही है, जेल लाइक स्ट्रक्चर है. एंड आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजीली अप्लाई हो जाती है, बहुत सॉफ्टली अप्लाई हो जाती है, एंड बहुत जल्दी स्किन में एब्जॉर्ब भी हो जाती है एंड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से सॉफ्ट बनाती है. एंड अगर हम बात करें इसकी ग्रीजीनेस की, तो ये बिल्कुल भी ग्रीजी ग्रीजी सी नहीं लगती है. जो कई क्रीम होती है वो बहुत ज़्यादा ग्रीजी ग्रीजी लगती है, बट ये ग्रीजी नहीं. सो गाइस बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है. एंड जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से आपकी स्किन को बहुत अच्छा सॉफ्ट बनाती है, सबल बनाती है, साथ साथ हाइड्रेट करती है, बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाती आपकी स्किन को. एंड मेरी स्किन के लिए तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल है. एंड बहुत सारे मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो आपकी स्किन को डल कर देते हैं. सो एग्जैक्टली ये डल नहीं करती है, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है विद इन अ सेकेंड, मतलब कुछ सेकेंड्स के अंदर ही बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है. सो गाइज अगर हम बात करें इसकी नंबरिंग की, सो मैं इसको 5 out of 5 देना चाहती हूँ. यू गाइज कैन सी द डिफरेंस एग्जैक्टली. सो ये बिना क्रीम का है और इस पर क्रीम लगी हुई है. सो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है. एंड आई होप आप लोगों को ये क्रीम अच्छी लगी होगी, बेस्ट लगी होगी. रिजल्ट्स तो ऑसम है, ज़रूर से एक बार ट्राई कर सकते हैं. ज़बरदस्ती नहीं है, बट अगर आपको पसंद आती है तो ट्राई करिए. अगर आप सोच रहे हैं लेने की, सो एक बार मेरा ये रिव्यू ज़रूर देख लें. क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैं बॉटल खाली कर चुकी हूँ. यू गाइस कैन सी बिल्कुल खाली हो चुकी है ये बॉटल. एंड इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा थिक है. सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें डेफिनेटली. सो गाइस मैं इस तरह की रिव्यूज़ लाती रहूँगी एंड आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी अपनी रिव्यूज़, जेन्युइन रिव्यू.